guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Songs of Innocence which is written by William Blake. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Songs of Innocence के बारे में जिसको लिखा है William Blake ने. And here we'll discuss about the poem under series Songs of Innocence named The Lamb. And guys, before this video I have already uploaded the introduction video of the Songs of Innocence as well as the first poem named Introduction under the Songs of Innocence. This is the second poem, The Lamb. Before this video there is also a poem named Introduction which I have already discussed. So अगर अब तक आप लोगों ने वो videos नहीं देखी हैं, मैं आपको उन दोनों ही video के link दे दूंगी description box में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर I button भी दे दूंगी. आप लोग previous video ज़रूर देख लें, एक introduction वाली है और एक Songs of Innocence की जो first poem है Introduction वो discuss की है. This is the second poem under Songs of Innocence named Lamb. So हम देख लेते हैं कि हम इस poem के बारे में क्या क्या चीज़ें discuss करने वाले हैं. So first of all we'll discuss about introduction to the poet. सबसे पहले हम जो poet है William Blake उनका introduction discuss करेंगे. Then we'll discuss about introduction to this poem, The Lamb. Then we'll discuss about summary or you can say explanation and then themes, analysis, themes and summary. So these are the topics which we'll discuss here. So without any further delay, let's discuss about introduction to the poet William Blake. So guys, here is the introduction to the poet. William Blake was born in London in November 1757. So William Blake का जन्म November 1757 में लंदन में होता है. And he was most remarkable poet among the precursors of the Romantic revival in English. यहाँ पर ये poet नहीं poet आना था. He was most remarkable poet. जो Romantic revival in English के poet हैं, उनमें उनका जो place है William Blake का, वो one of the important और remarkable place हम कह सकते हैं. Both of his parents were dissenters. इनके दोनों ही parents जो थे वो dissenters थे, मतलब इनकी father भी और इनकी mother भी. 5 children and William Blake जो है वो second number के थे. So जो William Blake हैं ये 5 बहन भाई थे और William Blake second number के थे. Deprivation and denial of love from the family might have regenerated in Blake's mind an exotic imaginary world of his own. देखो 5 भाई बहन थे और William Blake उनमें से second number के, तो सबको बराबर प्यार मिले, is it possible? कुछ बच्चे होते हैं जो इतना प्यार नहीं मिल पाता. सो मे बी विलियम ब्लेक वॉज नॉट गेटिंग दैट मच लव एंड आउट ऑफ डिप्राइवेशन एंड डिनाइल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली इनके माइंड में एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड बन रहा हो. एंड मे बी दिस इमेजिनरी वर्ल्ड इज द इंस्पिरेशन फॉर हिज पोम्स. ब्लेक मेड अ मॉडेस्ट बट प्रॉमिसिंग स्टार्ट एज अ पोएट, एज अ प्रिंटर एंड एज अ बुक इलस्ट्रेटर. सो इन्होंने इस तरीके से अपने करियर की स्टार्टिंग की. एंड इन 1789 बिगेन अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द स्वीडनबर्गियन सोसाइटी इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट. सो 1789 में जो विलियम ब्लेक थे उन्होंने स्वीडनबर्गियन सोसाइटी की मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट की और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्वीडिश साइंटिस्ट की राइटिंग्स पढ़ी जिनको हम कह सकते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना करियर एज अ पोएट स्टार्ट करने के बारे में सोचा और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. बिटवीन 1789 टू 1795 ही बिगेन अ सीरीज ऑफ पोएम्स एंड डिजाइंस इन हिज इलिमिनेटेड प्रिंटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स एंड दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो इसके बीच में उन्होंने लिखा पूरा ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस और ये उनका ग्रेटेस्ट वर्क कहा जा सकता है. एंड ही डाइड इन 1827 एजेड 69. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम ब्लेक. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम द लैम्ब. सो गाइज, हियर इज इंट्रोडक्शन टू द पोएम द लैम्ब. दिस पोएम इंक्लूडेड इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड इन 1789. सो विलियम ब्लेक ने 1789 में द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली ये सीरीज पब्लिश की और इसी में इन्होंने द लैम्ब वाली जो इनकी पोएम है इसको भी इंक्लूड किया. द लैम्ब इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट लिरिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो द लैम्ब की जो लिरिक्स हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक्स कहा गया है, मतलब कुछ एक जो ग्रेट लिरिक्स हैं उनमें द लैम्ब की लिरिक्स भी इंक्लूडेड है. डायलॉग बिटवीन द चाइल्ड एंड द लैम्ब, अमेलगम ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिट एंड पेस्टोरल ट्रेडिशन. एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर डायलॉग देखा हमने चाइल्ड के बीच में और लैम्ब के बारे में जो कंटिन्यू होगा. इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था चाइल्ड और लैम्ब की, मतलब एक्चुअली वहाँ पर तो चाइल्ड की और जो राइटर पोएट हैं उनका कॉन्वर्जेशन होता है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चाइल्ड का और लैम्ब का डायलॉग होता है.
अमेलगम ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिट, जो कि क्रिश्चियन स्पिरिट और पेस्टोरल ट्रेडिशन को दिखा रहा है। लैम, यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सेल्फलेस इनोसेंस, जो लैम है वो इनोसेंस को सिंबलाइज कर रहा है। जीसस द लैम इज द जेंटल इमेजिनेशन, द डिवाइन ह्यूमैनिटी, और जो लैम है वो जीसस को भी सिंबलाइज कर रहा है। एंड जीसस इज जेंटल इमेजिनेशन, डिवाइन ह्यूमैनिटी है वो। लैम आइडेंटिफाइज विद द क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ चाइल्ड लैम एंड रिडीमर। सो देखो, जो लैम है वो कह सकते हैं आइडेंटिफाइज अ क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ अ चाइल्ड। सो लैम इज अ रिडीमर हियर, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आए थे अर्थ पर तो वो रिडीमर ही थे, वो हमें बचाने के लिए आए थे बहुत सारी चीजों। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी, और यू कैन से एक्सप्लेनेशन। इसे आप ध्यान से समझना। सो हेयर इज द समरी, और यू कैन से एक्सप्लेनेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट स्टांसा, जिसमें कि 10 लाइन्स होती हैं, द चाइल्ड रिपीटेडली आस्क द लैम हु मेड हिम, डज ही नो हु क्रिएटेड हिम। सो देखो, ये जो पोएम है ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टांजा की बिगिनिंग होती है। एक्चुअली जो फर्स्ट स्टांजा उसमें 10 लाइन्स हैं, और जो फर्स्ट स्टांजा की बिगिनिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो लैम्प से बार बार एक ही क्वेश्चन करता है, हु मेड हिम, किसने बनाया उसे, किसने उसे क्रिएट किया, क्या वो जानता है, लैम्प जानता है किसने उसे बनाया। बार बार चाइल्ड लैम्प से यही क्वेश्चन करता है। सेम क्वेश्चन ही पुट रिपीटेडली थ्रू आउट द फर्स्ट स्टांजा और फर्स्ट टाइम। सो थ्रू आउट द फर्स्ट स्टांजा जो चाइल्ड है वो लैम्प से यही क्वेश्चन करता है, हु मेड हिम और हु क्रिएटेड हिम, किसने उसे बनाया, वो जानता है इस बारे में या नहीं। चाइल्ड एड्रेसेस हु मेड हिम एंड वॉन्ट टू असर्टेन वेदर ही नोज हु मेड हिम। देखो, चाइल्ड यहाँ पर लैम्प को एड्रेस करता है और उसे बोलता है तुम्हें किसने बनाया। एक्चुअली यहाँ पर वो ये जानना चाहता है कि लैम्प जानता भी है कि उसे आखिर बनाया किसने है, वेदर ही नोज और नॉट हु मेड हिम। चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो हु गेव द लैम्प हिज लाइफ, हु फेड हिम वाइल लिविंग अलॉन्ग द रिवर ऑन द अदर साइड ऑफ मिडो। तो चाइल्ड क्या जानना चाहता है, हु गेव द लैम्प हिज लाइफ, लैम्प को ये जिंदगी, ये लाइफ किसने दी, हु फेड हिम, उसे कौन खाना वगैरह प्रोवाइड कराता है जब वो रिवर के और मिडो के उस तरफ, दूसरी तरफ होता है, मतलब मिडो के दूसरी तरफ जब वो रिवर की साइड वाले एरिया में होता है, तब उसे वहां पर खाना कौन प्रोवाइड कराता है। ये सब क्वेश्चन चाइल्ड कर रहा है किससे, लैम्प से, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें खाना कौन प्रोवाइड कराता है, तुम्हें लाइफ किसने दी, तुम जानते भी हो या नहीं जानते। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हु सप्लाइड हिम प्लेजेंट बॉडी कवरिंग क्लोथ्स विच इज सॉफ्टेस्ट फुल ऑफ वूल एंड शाइनिंग। साथ ही साथ अब देखो, चाइल्ड क्वेश्चन कर रहा है लैम्प से कि तुम्हें ये प्लीजेंट बॉडी किसने दी जिस पर कवरिंग है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो वो कवरिंग है वो कपड़े हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सो तुम्हें ये प्लीजेंट बॉडी कवरिंग किसने दी, और ये कवरिंग इतनी सॉफ्ट है, फुल ऑफ वूल एंड शाइनिंग है, ये बॉडी तुम्हें दी किसने। चाइल्ड ऑल्सो आस्क हु गिव हिम सच अ डेलिकेट ब्लीटिंग वॉइस विच रीसाउंड्स अ हैप्पी नॉट इन द सरपेंडिंग वैली। और साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड एक और क्वेश्चन करता है लैम्प से। एक्चुअली वो बहुत ही सारे क्वेश्चन कर चुका, और भी क्वेश्चन करता है, और वो क्या कहता है लैम्प से कि तुम्हें इतनी ब्लीटिंग वॉइस दी किसने है। सो दिस स्टांजा मार्क चाइल्ड इनोसेंस विच इज द फर्स्ट स्टेज इन ब्लेक्स जर्नी टू ट्रुथ। जब भी हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे हमसे इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एक ही बार में, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, तभी तो बच्चा इतने सारे क्वेश्चन करता है। सिमिलरली यहाँ पर जो चाइल्ड है उसे नहीं पता, और वो लैम्प से इतने सारे क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन करे जा रहा है। सो चाइल्ड्स इनोसेंस इज द फर्स्ट स्टेज इन ब्लेक्स जर्नी टू द ट्रुथ। द चाइल्ड ऑफ इनोसेंस इज लिविंग बाय इंट्यूशन, इंजॉयज अ स्पॉन्टेनियस कम्युनियन विद नेचर एंड सीज द डिवाइन इन ऑल द थिंग्स। सो अगर हम देखें तो बच्चा बहुत ही इनोसेंट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंसी है, और वो हर चीज़ को, हर अपनी बात को कम्युनियन किससे कर रहा है, नेचर से रिलेट कर रहा है। सीज द डिवाइन इन ऑल द थिंग्स, एक्चुअली बच्चे का यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ किसने बनाई है, ऑलमाइटी ने, डिवाइन पावर ने, गॉड ने हर चीज़ बनाई है। सो यहाँ पर उसकी इनोसेंस हम देख पा रहे हैं, वो हर चीज़ को नेचर से रिलेट कर रहा है।
इन द नेक्स्ट स्टांजा, सो फर्स्ट स्टांजा में हमने देख लिया कि बच्चा जो है हर चीज को नेचर से और डिवाइन प्रेजेंस देख रहा है, हर एक चीज में, हर एक चीज में उसे डिवाइन प्रेजेंस दिख रही है. सो दैट्स ऑल हैपन इन द फर्स्ट स्टांजा. दैट चाइल्ड आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू द लैम्प. नाउ इन द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ 10 लाइंस द चाइल्ड हिमसेल्फ प्रोसीड टू आंसर द क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड द लैम्प इन द फर्स्ट स्टांजा. अब देखो, फर्स्ट स्टांजा में बच्चे ने सारे क्वेश्चन पूछ लिए. सेकेंड स्टांजा जो कि दोबारा से 10 लाइनों का है, चाइल्ड खुद ही इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाता है जो वो लैम्प से करता है. यहाँ पर मैंने लिख दिया शी सेज, एक्चुअली यहाँ पर आना था ही सेज. ठीक है, ये एस को हम काट देते हैं. ही सेज द पर्सन हु हैड मेड द लैम्प एंड मैनी गिफ्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टांजा गिवन हिमसेल्फ बाय द नेम ऑफ लैम्प, कि ये सारी चीजें लैम्प को किसने दी हैं. वो जिसका लैम्प नाम है उन्होंने ही दी है. मैंने आपको बताया था जीसस क्राइस्ट को भी लैम्प कहा जाता है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट थे, इनोसेंसी शो करते हैं. सो किसने दी ये सारी चीजें हमें? गॉड ने दी है, डिवाइन पावर ने. इट इज जीसस क्राइस्ट हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम्प. ठीक है, जीसस क्राइस्ट को लैम्प कहा गया है. सो लैम्प को ये सारी गिफ्ट्स, ये सारी चीजें किसने दी है? खुद उसी ऑलमाइटी गॉड ने दी है जिनका खुद का नाम लैम है. एंड लैम इज जीसस क्राइस्ट हियर. जीसस द लैम इज मीक, सबमिसिव है, माइल्ड मतलब सॉफ्ट नेचर्ड है. ही बिकेम द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड. देखो, जो जीसस है वो सबमिसिव, मीक, थोड़ा बच्चे वाली प्रेजेंस है ना, सॉफ्ट नेचर्ड, बच्चे इसी तरीके के होते हैं. सो ही बिकेम द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि वो मैनकाइंड में वो इनोसेंस बरकरार रखना चाहते थे. अब मैनकाइंड मैच्योर होता जा रहा था, मैच्योरिटी आ रही थी, एक्सपीरियंस आ रहा था, नॉलेज आ रही थी, और वो इनोसेंस को पीछे छोड़े जा रहा था. सो इसीलिए जीसस क्राइस्ट जो है वो फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड इन सारी चीज़ों को बरकरार रखना चाहते थे इसीलिए. देन द नरेटर इज अ चाइल्ड, ही इज अ लैम्प एंड बोथ आर कॉल्ड बाय जीसस नेम. नरेटर जो है वो चाइल्ड है जिसका नाम यहाँ लैम्ब है, और जीसस का नेम भी लैम्ब है. सो बोथ आर कॉल्ड बाय द जीसस नेम. द लैम्ब आइडेंटिफाइज विद द क्राइस्ट टू फॉर्म अ ट्रिनिटी ऑफ चाइल्ड, लैम्ब एंड रिडीमर. एग्जैक्टली, देखो लैम्ब जो है ना यहाँ पर वो एक ट्रिनिटी फॉर्म कर रहा है. ट्रिनिटी किसके बीच? चाइल्ड, लैम्ब, और जो जीसस क्राइस्ट है वो रिडीमर भी बनकर आते हैं. बस छोटी सी पोयम में हो गई खत्म. समझ आई? मैं आपको देखो पूरा बताती हूँ क्या होता है. दो स्टांजा है. फर्स्ट स्टांजा में क्या होता है, जो चाइल्ड है वो लैम्ब से क्वेश्चन करता है, तुम्हें किसने बनाया, तुम जानते भी हो तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें इतनी सुंदर बॉडी किसने दी, इतनी अच्छी आवाज किसने दी, इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछता है. या फिर तुम मिडो के जब दूसरी साइड होते हो तुम्हें वहां खाना कौन प्रोवाइड कराता है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्टांजा में. सेकेंड स्टांजा में जो लैम्ब है, सॉरी सेकेंड स्टांजा में जो चाइल्ड है, जो क्वेश्चन उसने लैम्प से किए थे उनके खुद ही जवाब दे देता है कि गॉड ने बनाई, डिवाइन, जीसस क्राइस्ट ने बनाई. जीसस क्राइस्ट को भी लैम्प कहा गया क्योंकि वो इनोसेंस को बरकरार रखना चाहते थे. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, इजी पोयम है. लेकिन जब आप इस पोयम के वर्स पढ़ोगे ना, लिरिक्स, तो आपको बहुत ईजी लगेंगी. लेकिन आपको उन लाइन्स का मतलब समझना है, जो कि आई होप आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो गाइज, हियर इज द एनालिसिस. द लैम्प इज अ डिडैक्टिक पोएम. डिडैक्टिक मतलब एक मॉरल पोएम है. लैम्प जो है एक डिडैक्टिक मॉरल पोएम है. पोएम पेज अ ट्रिब्यूट टू लॉर्ड क्राइस्ट who was pure and innocent like a child and meek and submissive or mild like a lamb. So, देखो basically यहाँ पर इस poem के through Jesus Christ को एक tribute pay किया है William Blake ने, क्योंकि Jesus Christ जो थे वो बहुत pure थे, innocent थे, एकदम बच्चे की तरह है ना, child वाली characteristic, meek, submissive, soft natured, इस तरीके के. Child asks questions to lamb. जो child है वो lamb से question करता है. एंड देन चाइल्ड हिमसेल्फ गिव्स द आंसर टू हिज ऑन क्वेश्चंस. उसके बाद वो खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देता है. क्राइस्ट सन ऑफ गॉड ऑल्सो कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प. सो जो जीसस क्राइस्ट है जो कि गॉड की ही संतान है वो खुद को लैम्प कहते हैं. सो क्राइस्ट इज अ गॉड कम्स टू द वर्ल्ड लाइक अ चाइल्ड. सो क्राइस्ट जो है वो गॉड है और वो इस वर्ल्ड में किस तरीके से आते हैं? एक बच्चे के रूप में आते हैं.
चाइल्ड एंड लैम आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि दोनों ही इनोसेंट हैं। देन पोएट प्रेज फॉर द टाइटल लैम, उसके बाद जो पोएट है उसके लिए प्रे करते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा वी सीज अ प्योर पोर्ट्रेट ऑफ अ लैम, हमने प्योर पोर्ट्रेट देखा, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारी वॉइस ऐसी है, पूरा पोर्ट्रेट मिलता है हमें फर्स्ट स्टांजा में। एंड इन द सेकेंड स्टांजा देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैम, इसने बनाया, लैम जीसस क्राइस्ट को भी कहा जाता है, लैम की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो सेकेंड स्टांजा में हमें आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। चाइल्ड शोज इज डीप जॉय इन द कंपनी ऑफ द लैम जस्ट लाइक हिम मीक एंड माइल्ड। सो देखो जो चाइल्ड होता है ना वो लैम की प्रेजेंस में बहुत ही ज़्यादा जॉय फील करता है, जस्ट लाइक मीक एंड माइल्ड, क्योंकि जो लैम है वो भी चाइल्ड की तरह सबमिसिव होता है, सॉफ्ट नेचर्ड होता है। सो इसीलिए जो चाइल्ड है वो लैम की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा जॉय और प्लेजर फील करता है। पोएम कन्वेज द स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड, द प्योरिटी, द इनोसेंस, टेंडरनेस ऑफ चाइल्डहुड। सो जो ये पोएम है ये स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड को कहीं ना कहीं कन्वे कर रही है, प्योरिटी दिखा रही है, इनोसेंस और टेंडरनेस ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि इनोसेंस जो है वो चाइल्डहुड से ही रिलेटेड होती है। सो दीज आर द थिंग्स विच दिस पोएम कन्वेज। अ रिलीजियस नोट इज इंट्रोड्यूस, एक रिलीजियस नोट कहीं ना कहीं यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ क्राइस्ट एज अ चाइल्ड। सो ये रिलीजियस नोट है। द लैम इज अ पेस्टोरल पोएम, पेस्टोरल तो है ही और साथ साथ ये एक मोरल पोएम भी है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट थीम्स, फर्स्ट थीम इज गॉड एज क्रिएटर, देन इनोसेंस इज द थीम, एंड देन रिलीजियन, मोरालिटी, और इसके अलावा भी आपको थीम्स बहुत सारे इन पोएम्स में मिल जाएंगे। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली और एक्सपीरियंस वाली पोएम्स हैं उसमें आप थीम्स अपने परसेप्शन से और भी बना सकते हो, लेकिन वो वैलिड होने चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट सिम्बल्स, सो सिम्बल्स वही हैं जो हमारे प्रीवियस पोएम में थे, एक तो लैम्प तो है ही और चाइल्ड भी है, और इसके अलावा भी आपको और सिम्बल्स जो लगते हैं वैलिड तो आप उन्हें लिख सकते हो, बट आपके पास वैलिड पॉइंट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम द लैम्प, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल, पोएम और शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। I'll give the link of all the three in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।